वेलकम एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेई मेंस के, तो आज एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी कड़ी में। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनेट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। यानी कोई वुडन ब्लॉक दिया हुआ है और वुडन ब्लॉक में हम लोगों ने इधर से बुलेट मारा है, तो ये बुलेट जब 4 सेंटीमीटर पेनेट्रेट कर जाता है तो उसकी वेलोसिटी अगर शुरू में u थी तो यहाँ अंदर जाके u/3 हो जा रही है ना। ये बोल रहा है इट पेनेट्रेट 4 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 1/3। तो अज्यूमिंग दैट द बुलेट इज़ फेसिंग अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बुलेट, क्या फेस कर रहा है, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है, यानी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन जो बोल लीजिए। तो द बुलेट स्टॉप्स कम्प्लीटली आफ्टर ट्रैवलिंग एट 4+x सेंटीमीटर। तो ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बुलेट को एक रेजिस्टेंस फोर्स मिल रहा है, उससे ये स्टॉप हो जा रहा है, तो सबसे पहले उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो निकालना पड़ेगा। देखिए फार्मूला, जो 3 स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोग पढ़ के आ चुके हो, v = u + at, s = ut + ½at² s = ut + ½at² और v² = u² + 2s, ये बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूले हैं और बहुत काम के हैं, जो आप लोगों को क्लास 9th में ही पढ़ा दिया गया है। ये क्वेश्चन इसी से बन जाएगा और इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, है ना, कि पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी हो गया u/3, यानी ये हो जाएगा u² / 9, इनिशियल वेलोसिटी थी u, यानी u², एक्सेलरेशन लग रहा है इसलिए डी एक्सेलरेशन है, इसलिए -2a × s आपका 4 सेंटीमीटर 4/100। तो यहाँ से आपका एक निकल जाएगा ua, वो क्या हो जाएगा, ये इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा (8u²) तो एक्सेलरेशन निकल गया इन टर्म्स ऑफ u, और अपने को पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो स्टॉप हो जाए, यानी रेस्ट में आ जाए। तो यही फॉर्मूला फिर से लगेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है अब, इनिशियल आपकी u² ही थी, और -2a s, s पूछ रहा है, a हमने निकाल लिया है, तो s क्या हो जाएगा u² / 2a, ठीक है। तो u² आपका रहने दीजिए, (2a) की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, 100u² / 9, यहाँ से देखिए ये u² कट गया, ये हो जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। तो यानी 4+x था तो x हो गया 0.5 सेंटीमीटर, यानी c होगा इसका आंसर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कांस्टेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो बस सिंपल ये 3 जो फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ चुके थे उसी से बन जाएगा, यानी ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 9th में पढ़ाना चाहिए था, ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। एनीवेज, वैसे एक जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जनरली ये रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट होता है, ये ज़्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेशन है उस चीज़ का, लेकिन आप लोगों के लिए चीज़ें आसान करके दी गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।